तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नए सुबह के साथ एक न्यू व्लॉग के अंदर। दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद है ईदगाह के अंदर, आप देख सकते हैं। और इसका रीज़न ये है कि आज हम बना रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल की रूटीन की थोड़ी वीडियोज़। जैसे कि मैंने सुना है कि बहुत क्या कहते हैं आप अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताना बहुत पसंद करते हो, तो हमने सोचा क्यों ना कि आपको बताया जाए कि हम अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं, यानी क्या करेंगे। तो थोड़ा कुछ ना आपको मैंने बताया जाए, शेयर किया जाए आपके साथ। तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बना रहे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप इन मना वीडियोस को बहुत मना पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को बहुत सब्सक्राइब करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे। तो इसी बात बिना आपको भेज के शुरू करते हैं ये आज का प्यारा सा व्लॉग। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करेंगे। वार्म अप मतलब के पहले चलेंगे, पूरा चक्कर काटेंगे यहाँ ईदगाह का हम। इसके बाद ही फिर रनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं। सुबह सुबह यार एक्सरसाइज करने का मज़ा ही कुछ और है यार। ये करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटा हम खाते पीते रहते हैं लेकिन अपने एक घंटा भी अपने सेहत को नहीं देते ना। तो अनिश भाई, फिर बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ से रिलेटेड। नहीं, ये सुबह सुबह क्या कहते नज़ारा है कुछ और है, कितने अच्छे अच्छी मानो ताज़ी ताज़ी हवा लग रही है, इसका मज़ा आ रहा है। होना भी ये चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो टाइम हो रहा है ना, जो कि घड़ी के अंदर हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो हम 6 बजे आए हैं वॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब जितना टाइम होता रहता है ना, तो यहाँ पर बहुत लोग और भी आते हैं जो कि रनिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल हमें और चंद कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं हमारे साथ। और बाकी जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, जो पार्क है, ये वही पार्क है जो हमने आपको व्लॉग में दिखाया था, रानीबाग पार्क। अच्छा, ये रहा, देख सकते हैं आप, इसके पीछे है पार्क। तो हम यही सोचेंगे कि आप भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज वगैरह और विद जर्नी विद एडवेंचर। दोस्तों, थोड़ा आपको क्या कहते हैं ईदगाह के बारे में दिखा देते हैं। ये है सिचुएटेड, मना है सिचुएटेड क्या हैदराबाद के अंदर, आपको थोड़ा दिखा देते कितनी बड़ी है, आपको ये दिखाता हूँ। तो ये है क्या कहते हैं ईदगाह, हैदराबाद की ईदगाह, जहाँ पे हम डेली आते हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग या फिर वॉक, कुछ भी क्या कहते करने के लिए। उस साहिल भाई देखो अभी रनिंग वॉकिंग कर रहे हैं, सॉरी आपको वॉकअप कर रहे हैं, क्योंकि उनके पहले रनिंग से पहले और एक्सरसाइज से पहले अपने आप को वार्म अप करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली अगर हम रनिंग स्टार्ट कर लेते या एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते ना, तो कोई बॉडी में इंजरीज हो सकती है। तो बहुत चांसेस हो कि अगर आप ठंडी बॉडी में कुछ एक्सरसाइज करते हो या डायरेक्ट रनिंग करते हो ना, तो ये गलत है, इंजरी हो जाती है जिसम में कोई भी पार्ट पर। तो आपको सबसे पहले 2 से 3 चक्कर या आपको थोड़ा सा आपको चलना चाहिए, अपने आप को मतलब कि इस काबिल करना चाहिए कि मैं आगे के जो भी स्टेज आएगा, जैसे कि इसके बाद हम रनिंग करेंगे, तो अच्छा, उसमें कोई दिक्कत ना आए। सही है, सही है, सही है। तो दोस्तों, आप जुड़े रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी कोई भी नहीं है हमारे अलावा दो। तो दोस्तों, अभी ये कहते हमने फाइनली क्या कहते वो कर लिया है, भाई साहब क्या कर लिया हमने, हमने वार्म अप कर लिया है, अब बॉडी इस लाइक हो गई है जो कि हम करेंगे अब रनिंग। तो आइए दिखाते हैं आपको रनिंग कैसे करते हैं और कैसे हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के रनिंग को। सही है, तो दोस्तों जुड़े रहे व्लॉग के अंदर और आए शुरू करते हैं रनिंग को। तो दोस्तों, हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया रनिंग का, देख सकते हैं हालत क्या हो गई। और साहिल भाई वो जा रहे हैं आगे आगे, साहिल भाई ने तो पहले कंप्लीट कर लिया था, हम थोड़ा आपको बताते लेट हो गए, लेकिन फाइनली पहुंच चुके हैं। और अभी थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सांस और थोड़ा माना हमारी हालत थोड़ी सही हो, देन उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। तो बस जुड़े रहें व्लॉग के अंदर, देखते रहें हमारे ये डेली व्लॉग का फर्स्ट व्लॉग। दोस्तों, तो ये था हमारा फर्स्ट चक्कर, यानी कि फर्स्ट रनिंग जो हमने की है। तो बहुत बड़ी ये मस्जिद में ही हम कर रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत अलाव है, यहाँ पे रनिंग फिटनेस
रिलेटेड हर चीज़ करने से। यहाँ पे सिर्फ हम नहीं आते, यहाँ पे फीमेल भी आती है लेकिन इवनिंग को आती है, सही है ना, इवनिंग को आती है, फीमेल भी आती है, फीमेल भी करती है वॉक एंड एक्सरसाइज भी करती है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकंड राउंड भी समझ लो कि कंप्लीट हो चुका है और हम भी हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा मना स्टेबल करें अपने बॉडी को और अपने आप को कुछ बोलने के लायक और आपको मैंने दिखाने के लायक व्लॉग में। तो इसी वजह से हमने सोचा थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा अपने आप को सेट करते हैं। रनिंग के अंदर हालत बुरी हो जाती है दोस्तों, और ये साहिल भाई क्या कहते अभी आएंगे, वो भी वॉक करते हैं, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आखिरी स्टेप है हमारा यानी कि रनिंग करने का, तो ये आखिरी हम राउंड मारेंगे, इसके बाद आपको एक्सरसाइज का दिखाएंगे। तो दोस्तों आखिरी रनिंग का स्टेप खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के लिए। अनिश भी आ गए हैं, तो अनिश का देख सकते हैं मुंह कैसा हो गया। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम वॉक करके उधर ही, यहाँ पर रनिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आइए चलते हैं। क्या हुआ अनिश भाई, खेल तो है तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं तबीयत अभी खराब नहीं भाई, सही है। अनिश की तबीयत अभी तो है, अभी तो टॉलरेट कर रहे हैं। बता दें कि हमारे एक्सरसाइज क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के जो राउंड है ना वो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे रनिंग के राउंड है ना कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं बिना देर के एक्सरसाइज के राउंड भी। तो देख सकते हैं हमारी एक्सरसाइज हो गई है, अभी हम जाएंगे जो कि दोस्तों अभी हमने फाइनली क्या कहते हैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लिए और अभी हम निकलेंगे घर की तरफ और आपको क्या कहते वेट करिएगा और लाजमी मना देखिएगा उस व्लॉग को भी, यानी व्लॉग आने वाला है न्यू व्लॉग तो उसको भी लाजमी देखिएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और साहिल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों से? दोस्तों आपको भी करनी चाहिए एक्सरसाइज, रनिंग करनी चाहिए, फिटनेस में ध्यान देना चाहिए, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नई नई बीमारियाँ आ रही है दुनिया के अंदर, तो आपको भी करनी चाहिए एक्सरसाइज और रनिंग करनी चाहिए क्योंकि अपने आप को फिट रखें। जब आप हो गए तो सब कुछ होगा, जब आप ही नहीं हो गए ना तो कुछ भी नहीं होगा, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें आप। बस जो मुमकिन है तो मुमकिन है, ना मुमकिन कुछ भी चीज़ नहीं होती।